और हिमालय पे चले जाओ, नहीं आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, आप बहुत ज्यादा मॉडर्न सोसाइटी में लाइफ जी सकते हैं, अपनी सब कुछ कर सकते हैं, पर अंदर से आप योगी हो, बाहर से किसी को पता भी ना चले। तो आप भौतिक जगत में पूरा सक्सेसफुल हो, अपनी जो आपके एस्पिरेशन हैं वो सब करो, मगर जैसी ऐसी चीज हो अंदर से अपनी रेडीनेस तैयार रखो। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कहते हैं, अच्छा सर ऐसा होने वाला है तो क्या करूं, अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करूं छोड़ दूं, या बोर्ड्स की प्रिपरेशन करूं। मेरे को भी ये कहते हैं सर कॉलेज में पेपर है, पेपर छोड़ दूं जारी करना। तो ये बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप अगर स्टूडेंट है, आपका कर्म आपका धर्म क्या है, पढ़ाई करना। आप अगर काम करते हैं, आपका धर्म क्या है, अपने कंपनी के लिए या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए अपनी कंट्रीब्यूशन पूरी देना और अपने परिवार को सस्टेन करना, जो भी है, तो जो भी आपका कर्म है आपको वो करना है। जब ऐसी कोई चीज होती है तो अंदर से तैयारी होनी चाहिए कि आई एम रेडी नाउ। तो इसलिए अब आगे आने वाले टाइम में जो भी, जैसे अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आ रहा है, मतलब पिछले एक साल में, पिछले एक साल से पिछले चले जाओ 2022 तक, तो ऐसे लगता था अच्छा ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, आएगा 10 साल बाद। पर मैंने अपने 5 साल वाले वीडियो, 5 घंटे वाले वीडियोस में बोला था आपको 2 साल पहले कि अभी हम उस लेवल पे हैं कि हम सिंगुलैरिटी के पास जा रहे हैं। सिंगुलैरिटी के पास मतलब व्हेन द स्पीड, व्हेन द पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विल बिकम सो लार्ज कि हमारा माइंड उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अभी तो इस वाली टेक्नोलॉजी को ही समझने की कोशिश कर रहे थे, 10 और आ गई आगे। तो जो सालों साल एक डेकेड में आती थी वो सालों में आती है अब जो सालों में आती है वो महीनों में आती है, आने वाले टाइम में वो हफ्तों में आने लगेगी, फिर वो दिनों में आने लगेगी। तो लोगों को क्या लगेगा, टाइम फास्ट हो गया है। टाइम फास्ट नहीं हुआ, दिन में कोई 24 घंटे हैं, मगर वो इवेंट्स इतनी जल्दी हो रहे हैं कि आपको लगा रही है तो दिन एकदम ऐसे बीत रहे हैं जैसे पहले 4 घंटे आपको लगता था, अब 24 घंटे बीत गए इतने में। तो टाइम उसको कहते हैं क्विकनिंग, क्विकनिंग आपको महसूस होगी। तो ये टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है। तो जो पिछले 2022 तक लोग सोचते थे AI अगले अगले 10 साल में इतना हो आगे तक जाएगा, वो पिछले एक साल में जा चुका, पिछले एक साल में जा चुका। US का आप नैसडैक देखिए, जो टेक्नोलॉजिकली वेटेड जो आपका इंडेक्स है, एनवीडिया जो GPUs बनाता है, क्योंकि अब AI के टाइम पे GPUs ही होने वाले हैं, जो भी होना है, CPUs आपके दे आर नॉट केपेबल इनफ। तो GPUs में केवल एनवीडिया था, उसमें इंटेल AMD ये सब कोई नहीं था। हालांकि AMD अभी थोड़ा सा ट्राई कर रहा है, अब होगा आगे जाके सारे प्लेयर्स आएंगे, मगर अभी एनवीडिया जो है पिछले एक साल में अराउंड $150 से लेके अभी $750 पे आ गया है, और अभी भी इट्स नॉट ओवर प्राइस्ड, इट इज अंडर प्राइस्ड, क्योंकि अर्निंग्स उतनी ज्यादा बढ़ रही है। स्टॉक बढ़ा 5-6 गुना हो गया, पर अर्निंग्स आपकी 10 गुना बढ़ गई। तो ये सारी चीजें, क्योंकि अब पूरी दुनिया मेटा, एप्पल, एप्पल का विजन प्रो आया है, जैसे मेटा का क्वेस्ट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो भी AI, माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन AI, चैट GPT जो पूरा एक्वायर किया, तो इतने फास्ट मूव हो रहा है अभी कि और 3-4 साल में आपको पता भी नहीं चलेगा और पूरा आपका जीने का नजरिया बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, और वो सब GPUs वगैरह सब पावर करेंगे। तो और अभी ये जो पीछे जो मेटा ने अपना नाम चेंज किया था, फेसबुक ने मेटा, इसलिए क्योंकि वो मेटावर्स में बहुत इन्वेस्ट कर रहे थे। अभी मेटावर्स, अभी अभी पर अभी कोई बात नहीं करता उसकी, पहले हुआ था मेटावर्स मेटावर्स मेटावर्स, अभी एक साल से वो थोड़ा डाउन है। बैक बेंच पे बैठा हुआ है। AI अभी आगे आ रहा है, क्यों AI इसलिए आगे आ रहा है कि वो जो मेटावर्स है उसको पावर AI के चिप्स ही करेंगे, AI ही पावर करेगा। वो जो पूरी पूरी आर्टिफिशियल सिटीज होंगी आपकी मेटावर्स में, जो पूरा पूरा आप आर्टिफिशियल, आपका अवतार होगा, पूरी पूरी आपकी सिटीज होंगी, वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको पावर करेगा, और पीछे वो पूरे होंगे। तो जो अभी अर्थ का जो पावर कंजम्पशन है वो इतने ज्यादा बढ़ जाएगी, 4 गुना 5 गुना पूरे देश की, पूरी दुनिया की, खासतौर से US उसमें लीड ले रहा है और US लीड लेगा। तो अब वो मेटावर्स एक ऐसी चीज होगी कि आप उसमें अपना दिन का 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम आप उस मेटावर्स में रहा करेंगे। मतलब मैं कहता हूं आप, हम ये जो जी रहे हैं सपना है, ये मेटावर्स ही है एक तरीके से, हम हाँ मेटावर्स में मेटावर्स क्रिएट कर देंगे। सपने में सपने क्रिएट कर देंगे, जैसे इंसेप्शन मूवी में होता है, सपने के बिल्कुल अंदर बिल्कुल सपने। बिल्कुल। तो वो होगा, और उसमें लोगों को ये बताया जाएगा कि देखो अब आप मेटावर्स एक वर्चुअल उसमें जी रहे हो, तो फिजिकली ऑन कुछ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। तो ये देख रहे हो कहां से कहां जुड़ रहा है।
हाँ 2030 21 वो एजेंडा 21। वर्ल्ड हाँ इकोनॉमिक फोरम कुछ कह रहा है और वो यहां से जुड़ रहा है इस चीज को, इसलिए इतना ज्यादा वो सरकारें दुनिया की सारे उस चीज को, चिप्स को, ये वो सबको इतना, इसलिए यूएस ने आज तक कभी भी चाइना के प्रति कुछ ऐसा नहीं किया कि ये तो इनको बेचना ही नहीं है, बैन बिल्कुल इनको बेचना। पर जो एनवीडिया के अभी सबसे हाई एंड चिप्स हैं वो चाइना को बैन कर दिया, चाइना को इसको एक भी चिप नहीं दिया जाएगा, मतलब उससे चाइना की पूरी, मैंने 2 साल पहले बोला था ग्रुप पे, 2 साल पहले, चाइना इज ओवर, मुझे मैसेजेस आए प्राइवेट, हालांकि मैं प्राइवेट इतना आंसर करता नहीं हूँ, कोई कह रहा सर किस तरीके से ओवर, इकोनॉमिकली ओवर, ये ओवर, वो ओवर, मैंने कहा नहीं। तो अभी क्या है, चाइना का चिप्स उनको नहीं मिले अगर, और नहीं मिलेंगे, एनवीडिया को अलाउड है कि अपने जो टीयर टू वाले चिप्स हैं, पर कम परफॉर्मेंस वाले, बस वही बेच सकते हो आप। तो उनकी जो अभी जो लेटेस्ट फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन के जो वेपन्स आ रहे थे, उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनके रुक गई चाइना की, क्योंकि चिप्स आर इम्पोर्टेंट। दूसरा, चाइना की आर्मी, चाइना की इकोनॉमी अभी आईसीयू में है, मतलब जो 1989 बबल बस्ट होने के बाद जापान की, जो जापान की इकोनॉमी थी, अब जो 35 साल बाद जापान की इकोनॉमी डिफ्लेशन से निकल के, जो 1989 में जो स्टॉक मार्केट के लेवल थे, अब 35 साल बाद उसके पास आई है, सोचो। इसे कहते हैं मिक्स मिस डिकेड्स, 3 4 डिकेड जापान के मिस हो गए डिफ्लेशन में। उस प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स, वो भी चाइना की प्रॉब्लम, चाइना इज ओवर। बोलो भी, लोगों को समझ नहीं आ रहा उस ट्यूमर के ऊपर, अभी वो बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बैंडेड से शायद वो ट्यूमर सही हो जाए, नहीं। मैं ये प्रेडिक्ट करता हूं अगले आने वाले टाइम में, हालांकि उसमें अभी 10 साल भी लग सकते हैं, थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएगा, चाइना कुछ कंट्रीज में स्प्लिट हो जाएगा। यू हैव टू डू दैट, वो होगा, अपने आप होगा, तिब्बत हो सकता है विल बी लिबरेटेड अगेन। तो चाइना इज ओवर। अभी क्या है, इसलिए मैं कह रहा था टाइम साइकिल ऐसी है कि 2035 के आसपास तक इंडिया उस लेवल, उस मुकाम तक पहुंचेगा, केवल अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, मिलिटरीली, पॉलिटिकल, दुनिया में इन्फ्लुएंस, खास तौर से स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल लोग जब इधर उधर हौच-पौच हो रहा होगा और लोग सोच रहे होंगे, अरे मुझे तो मेरी चर्च ये बताती थी पर ये तो सब गलत निकला, वो जब सवालों के उसमें जब वो लॉस्ट होंगे, तब जो सनातन है, इंडिया है, वो उन्हें रास्ता दिखाएगा कि यू हैव टू गो विद इन, वो उन्हें टेक्निक्स बताएगा, वो उन्हें सब कुछ बताएगा, वो उन्हें बताएगा भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सारी चीजें वो, तो इंडिया उस लेवल पे है। अब लोग ये कहते थे मुझे, सर आप तो 2035 कह रहे हो, वो तो बस आ गया 2035, 12 13 साल बाद है बस, तो अभी हम देखते हैं तो किसी को खाने को रोटी नहीं है, वो लड़ रहे हैं, ये हो रहा है, सड़कें टूटी हुई है, नाले का पानी, बारिश आती है तो पानी पूरा घरों में घुस जाता है, क्या? तो आप केवल ये देख सोच रहे हो कि इंडिया कैसे उस लेवल, अगर ये यूएस है, ये चाइना है, या ये जापान है, ये जर्मनी है, इंडिया भी यहाँ पे है, तो कैसे वो कवर करेगा इतना? और आप ये नहीं सोच रहे, इंडिया तो कवर करेगा पर वो ऊपर से चाइना वगैरह भी गिर रहे हैं नीचे, स्पीड डबल हो गई। तो चाइना इज ओवर, यूएस रहेगा एक मेन प्लेयर, इंडिया रहेगा मेन प्लेयर, जापान रहेगा मेन प्लेयर, और रशियन रशिया रहेगा मेन प्लेयर। तो ये चार चीजें रहेंगी मेन प्लेयर, क्योंकि रशिया इसलिए रहेगा मेन प्लेयर बिकॉज रशिया इज वर्किंग ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस। लोगों को लगेगा, अरे ये क्या बात कर रहे हैं, पुतिन इज नॉट अ रॉन्ग पर्सन, पुतिन इज नॉट अ रॉन्ग लीडर। उस कंट्री, आप रशिया में जाके देखिए, वहां इतनी डाइवर्सिटी है, वहां इतने अलग रिलीजियस डाइवर्सिटी है, उसको कंट्रोल कर पाना, उसको ये डीप स्टेट के शिकंजे से दूर रख पाना, मीडिया कुछ भी कहे वर्ल्ड का, क्योंकि वर्ल्ड का मीडिया तो इंग्लिश कंट्रोल्ड है, वो रशिया में क्या बेचारे बोल रहे हैं, कौन दिखाता है? तो और यहाँ पे इसलिए मैं कहता हूँ, मैं किसी लीडर के अपोज में नहीं हूँ, जो कोई सही सही करेगा, मैं उसके उसके अप्रिशिएट भी अपने हिसाब से, मैं भी गलत हो सकता हूँ, ये नहीं कि मैं जो जजमेंट दे रहा हूँ ये सही है गलत वही है, नहीं। तो मिस्टर मोदी एंड हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, ही शुड बी रियली रियली अप्रिशिएटेड कि जो रशिया यूक्रेन के बाद हुआ कि इनसे तेल ना खरीदो, ये ना खरीदो, उन्होंने कहा नहीं हम हाँ खरीदेंगे। हाँ हाँ यूके के सही प्राइम मिनिस्टर आए इंडिया में, प्रेशर किया, जापान किया, इंडिया में प्रेशर किया, ऑस्ट्रेलिया किया, इंडिया में प्रेशर किया, यूएस के बाइडेन ने प्रेशर किया, मगर हम टस से मस नहीं हुए।
कि अगर आप अगर यूरोप खरीद सकता है, यूरोप कितनी कितना लाइफ लाइन है रशिया की गैस, तो यूरोप कितना स्मार्ट है, रशिया के ऊपर सारे सेंक्शन लगा दिए पर गैस को सेंक्शन से निकाल दिया, तो आप खरीद सकते हो। हाँ, और हम छोड़ दें। और आप एक दिन में उतना खरीदते हो, मान लो हम एक महीने में उतना नहीं खरीदते होंगे, आप खरीद सकते हो, हम ना खरीदें, तो देर इज हिपोक्रेसी। तो इसीलिए राइट। इसीलिए हमने उनसे सस्ता, मार्केट से सस्ता हमने रशिया से खरीदा, वो बार्गेन हो पाई। भाई आपसे तो कोई भी नहीं खरीद रहा दुनिया का, हम आपको हेल्प कर रहे हैं, सस्ता तो दो। ठीक बात सर। और वो सस्ता मिला, बाकी दुनिया जो है, जो यूएस की कठपुतली है, जो जापान या कोई बाकी कंट्रीज हैं, उन्होंने बैन करके वो महंगा खरीद रहे थे। तो देखिए जापान हाँ की करेंसी कहाँ गिर गई, एक डॉलर में बिल्कुल 1 बिल्कुल 1 डॉलर में 110, 115, 120 के आसपास होता था, 150 पार हो गया, मतलब 30-40% करेंसी खत्म, डिवेल्यूड। इंडिया की करेंसी वहीं की वहीं है, क्यों? आपको वो चीज सस्ते में मिली, इंडिया जो 90% बिल्कुल इम्पोर्ट करता है, आपको वो चीज सस्ते में मिल रही है। अभी आप इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, 10% का टारगेट था, अब 20% का टारगेट कर रहे हैं इथेनॉल का, जिससे अगर 20% टारगेट हो जाता है, तो आपकी जो इम्पोर्ट है एक साल का गैस का, क्रूड का, वो 80% कम, 20% कम हो गया, विच इज ह्यूज। अगर आप डॉलर में देखें, डॉलर पेमेंट करें, तो डॉलर जो बाहर चला जाता था देश के, वो देश में रहेगा। तो इसलिए फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे, इसलिए रुपये कमजोर नहीं हो रहा। तो जो सही है सरकार की, जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, जो चीज गलत है वो गलत है। एक चीज और, आने वाले टाइम में अभी जो AI और ये सारी चीजें होंगी, प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, जो भी फिक्स्ड जॉब्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, कोडर्स हैं, बहुत सारी जॉब्स ऐसी ऐसी आप सोच भी नहीं सकते। चली जाएंगी। पहले कहता ऑटोमेशन, आपने कोड बना दिया, उस हिसाब से कंप्यूटर काम करेगा। तो केवल उन चीजों के लिए था जो फिक्स थी बिल्कुल। AI से अंतर यह हुआ है, जेनरेटिव AI से, कि वो जो मशीन है, अब वो खुद गलतियां करके खुद सीखेगी। रोबोट्स के अंदर अभी जो जेनरेटिव AI की मैं रोबोट्स देख रहा था, वो फुटबॉल मैच आपस में खेल रहे हैं, उनके अंदर बस ये डाल दिया कि ये रूल्स हैं, कुछ नहीं उनके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं है कि ऐसे यहां हो गए तो यहाँ किक मारनी है, यहाँ हो गए तो यहाँ किक मारनी है, वो नहीं, रूल्स डाल दिए। वो शुरुआत में बहुत गंदा खेलते हैं, एक दो दिन बाद वो थोड़ा सा सही हो जाते हैं, फिर वो और सही हो जाते हैं, फिर वो और सही हो जाते हैं, फिर लास्ट में वो मेसी और रोनाल्डो की तरह खेलना शुरू करते हैं सब अपने आप। तो ये सारी चीजें जो होंगी, ये ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज पे भी चली जाएंगी, जैसे ड्राइवर्स की इंडस्ट्री है, मान लो ऑटोमोबाइल ड्राइवर्स की इंडस्ट्री है, या मान लो यहां तक तो छोड़ो, बल्कि लॉयर्स मान लो आप, या आप फिजिशियंस मान लो, सर्जन तो फिर भी रहेंगे, पर जो फिजिशियंस हैं, जो नॉर्मली आपको डायग्नोस करके चाहिए दवाई खा लो, तो ये सारी चीजें, इतनी जल्दी लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, जॉबलेस होंगे। वो इसलिए लाना है क्योंकि जब जॉबलेस होंगे लोग, लोग बोलेंगे अरे हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, हमारे तो लोन देना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर वो ऐसे उनका प्रॉब्लम रिएक्शन सॉल्यूशन, वो लास्ट में आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम बोल देंगे, ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम आपको हमेशा मिलेगी, पर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी में ये डालना पड़ेगा, है जो भी है। तो इसलिए वो ऐप अभी बनी थी, अभी पीछे कहीं मलेशिया में थी ना एक, इंडिया ने जब G20 होस्ट किया था उससे पहले, लास्ट G20 था मलेशिया शायद, मलेशिया या इंडोनेशिया में, तो उसमें लास्ट में सब लीडर्स ने उसी पे डिस्कस किया था कि एक वो ऐप बनेगी, कॉमन ऐप बनेगी, उस कॉमन ऐप में होगा कि कौन कंप्लाइंट है, कौन नॉन कंप्लाइंट है, अगर आप वो जो मार रहे हैं वो कर रहे हो तो आप कंप्लाइंट हो, आप ग्रीन हो, आपको वो सब सर्व सेवाएं मिलेंगी, आप मिलेंगे। थोड़े से आप ऑरेंज येलो हुए ग्रीन से, या ग्रीन येलो से फिर रेड हो गए, तो आपकी वो सारी चीजें रोक दी जाएंगी। और जब ये अभी हम डिजिटल करेंसीज के उसमें जा रहे हैं, डिजिटल डॉलर, डिजिटल येन, डिजिटल रुपी, अब उसमें क्या होगा, अभी आपको लगता था रही है बैंक गड़बड़ है या सरकार ऐसा कर रही है, चलो पैसा निकाल के घर ले आता हूँ, अब आप उस पैसे को छू नहीं पाओगे, इट्स नॉन फिजिकल, आपने कुछ किया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ रहा था, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का क्या फ्यूचर है वर्सेस देखो बैंक्स, जो नोट करेंसी है, जो फिजिकल करेंसी है, उसके हाँ, कंपैरिजन देखो में क्रिप्टो क्या करेंसी दिखता है का, आगे? हाँ देखो ब्लॉकचेन का तो फ्यूचर है, ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर, मैंने बहुत पहले बोल दिया था, ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर, मगर उस ब्लॉकचेन के ऊपर जो 1,000 क्रिप्टोकरेंसीज आ गई हैं, उसमें से 99% विल नॉट सर्वाइव, क्योंकि ये जो सेंट्रल बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स विल नॉट लूज देयर कंट्रोल, उसको एक एसेट बना सकते हैं, जैसे गोल्ड एक एसेट है, जैसे स्टॉक्स एक एसेट है, जैसे रियल एस्टेट एक एसेट है, उसको एक एसेट क्लास बना देंगे, और उसको कंट्री की करेंसी उससे रिप्लेस हो जाए वो कभी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनीवन। राइट 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 तो
और उसके नुकसान भी हैं, बिकॉज यू डोंट नो द सेंडर, यू कैन नॉट ट्रैक इट, तो उसमें ब्लैक मनी और वो मनी लॉन्ड्रिंग और वो सब बहुत चीजें होती हैं. टेररिज्म भी हो सकता है। हाँ तो ये सारी चीजें हैं. तो आने वाले टाइम में बहुत स्फीयर्स में बहुत सारी चीजें होंगी. इसलिए जो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, जो मैंने बोला था, जो पहले सालों दशकों में होता था, फिर वो सालों में होने लगा, वो महीनों में होने लगा, आने वाले टाइम में हफ्तों में होने लगेगा. ऐसे ही इस पूरी दुनिया के साथ भी है. इस पूरी दुनिया में जैसे पिछले जो 500 साल में जो चेंजेस आए होंगे, चाहे वो रिलीजियस चेंजेस हो, चाहे वो फिलोसॉफिकल चेंजेस हो, चाहे वो सोशल चेंजेस हो, इकोनॉमिक चेंजेस हो, कुछ भी हो, वो अब इन आने वाले कुछ सालों में होगा. तो अप टू डेट हर चीज के प्रति रहना जरूरी नहीं है, आप उसी में ओवरवेल्ड हो जाओगे. यू विल बी मेल्टेड, यू विल बी फेसिंग अ मेल्टडाउन बिल्कुल मेंटली. तो जो जो सही है, जो जो जरूरी है, उसके प्रति वो करिए. जो जो जरूरी नहीं है समझना, उसको छोड़ दीजिए. तो लेकिन ये जरूरी है कि अब हम उस अनप्रेसिडेंटेड चेंज के टाइम पे जी रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं लास्ट में फिर आपको बोल दूं, चाहे आप किसी भी चीज के बारे में बात करें, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करें, चाहे आप एआई के बारे में बात करें, पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, रात को घर लौट के इंसान को खाना तो खाना ही है. वो ना सोना खा सकता है, ना नोट खा सकता है, ना क्रिप्टो करेंसी खा सकता है, ना अपनी जमीन जायदाद खा सकता है. खाना तो उसको खाना ही है. फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आने वाले टाइम में जो फूड स्कैरसिटी करी जाएंगी, एनर्जी एंड फूड की जो स्कैरसिटी आर्टिफिशियली करी जाएगी टू ब्रिंग पीपल ऑन देयर नीज, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए एक टाइम आएगा, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक टाइम आएगा आगे, जिस टाइम के बाद आपको मिनिमम मिनिमम कम से कम 3 महीने का खाना, हमेशा खाना, वाटर, मिनरल वाटर, मेडिकल सप्लाई, सब कुछ वो अपने पास रखना पड़ेगा, और प्लान बी. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स. राइट राइट। एक चीज और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जैसे कोई भी स्कैसिटी क्रिएट होगी, कुछ भी सर्कस ड्रामा चलेगा, आपने बहुत अच्छा बताया कि फूड बेसिक चीज ही ये होगी कि हम हमें खाना चाहिएगा, तो लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके लैंड पे फ्रूट्स लगाना, वेजिटेबल्स लगाना, ये सही रहेगा, या फिर आगे ऐसा कुछ भी ये कर सकते हैं कि तुम ये जो कर रहे हो ये भी गलत कर रहे हो भाई, ये भी हाँ. तुम्हारा नहीं है, लैंड जो तुमने खरीद रखी है, रजिस्ट्री तुम्हारे पास है, ये भी तुम्हारी नहीं है, इस पे हमारा हक है, हम छीन लेते हैं तुमसे, ऐसा कुछ भी हो हाँ सकता तो अगर आप एजेंडा 2030 के वो जो प्लान्स देखो, तो उसमें एक है। पॉइंट ये भी है, ये मैंने 5 घंटे वाले वीडियो में कंट्रोल की में किया भी था. जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह उधर उधर है, वहाँ बिल पास हो गया कि यू कैन नॉट ओन योर ओन गार्डन. अपने गार्डन में फल सब्जियां नहीं उगा सकते, आपको खरीदना पड़ेगा. तो आपको इसलिए खरीदना पड़ेगा क्योंकि वो जो आप बाहर से खरीदेंगे वो जेमो जेनेटिकली मॉडिफाइड खाना होगा. तो अब तो एमआरएनए बेस्ड फूड आने लग गया है, एमआरएनए बेस्ड मिनी टोमेटो जैसा, आपको पता भी नहीं है, आपने चाहे ये नहीं लिया. एमआरएनए बेस्ड ये तो लग गया है, बट लेकिन एमआरएनए अगर आपने बेस्ड ये खाना नहीं भी नहीं, लिया, अगर आपने ये नहीं भी लिया, तब वो एमआरएनए तो बेस्ड भी वो लेंगे तो वो अंदर जाएगा. तो क्यों, उनको आपके अंदर वही चीज डालनी है जो मैंने बताया था, जीओ, जिससे वो आपको कंट्रोल कर पाए. ग्रेफाइन ऑक्साइड। तो वो इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता था, इसलिए एक बार बोलने से कुछ नहीं होगा, मैंने इसलिए तो बोला कि सारे व्यूअर्स को पता नहीं होगा जियो क्या है। हाँ, तो वो इसलिए कि वो ऑटोमेटिकली आपके ब्लड वेसल्स के अंदर आपके डीएनए के साथ मैप करके वो एक सर्किटरी बना देता है, जिस सर्किटरी को वो आपकी बॉडी को एज ए मोबाइल डिवाइस कंट्रोल कर पाए. तो लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोग दे आर वॉकिंग मोबाइल डिवाइसेस नाउ, जैसे कैरियर एयरटेल या जियो या वोडाफोन आइडिया, अगर आपको ट्रैक कर सकते हैं आपका मोबाइल कहाँ पे है इस वक्त, तो ऐसे ही वो आपकी बॉडी को ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज नाउ यू आर एक्टिंग एज ए मोबाइल डिवाइस. ठीक है, आपने वो सर्किट इसी तरह आप एक्ट कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट. तो आपको हर चीज को भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, हर चीज को, आंख बंद करके, अरे मैं इसको सपोर्ट करता हूं तो जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है, वो चीज नहीं. और दूसरा, फिर से मैं वही बोलूंगा, बाहर रह के, बाहर की चीजें देख के, सोच के, आप कुछ भी, कितना भी अपने विजडम को यूज करके आप अपनी प्रिपरेशन कर लें, वो पूरी नहीं होंगी जब तक आप स्पिरिचुअली प्रिपेयर नहीं होंगे. क्योंकि अगर आप वाइब्रेशनल वाइज, आप फ्रीक्वेंसी वाइज हाई वाइब्रेशन पे, ऊंची चेतना पे अगर आप वाइब्रेट नहीं कर रहे, आपका वो जो जिस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है वो ऊपर का नहीं है, तो
वो जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है, जैसे आप शहरों में आते हैं, आप गांव में जाते हैं, विविध भारती पकड़ता है 80 हर्ट्ज़, 85 हर्ट्ज़ जो भी होता था, मुझे अभी याद नहीं है, पर जब आप शहरों में आते हैं जहाँ रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, ये सब आता है, 95, 90, 100, 104 FM, वो सारी चीज़ें, तो विविध भारती जो लो फ्रिक्वेंसी है वो कैच नहीं करती। ऐसे ही अगर आपका रेडियो आपको सर्वाइव करना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी अपने रेडियो स्टेशन की, वरना वो रेडियो स्टेशन को, मतलब आप को ये जो रेडियो है, मतलब प्लैनेट, वो काट देगा, मतलब तो आप उसके साथ कंपेटेबल ही नहीं हो, आपको जाना पड़ेगा, कुछ भी होगा, आपका हार्ट टूटना बंद हो जाएगा अचानक से, आपका कुछ भी होगा, पर आपको डिपार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहीं रह सकते हो, आप वहीं रह सकते हो जिस वाइब्रेशनल प्लेन के साथ आपकी कंपेटिबिलिटी है, आप जिस वाइब्रेशन पे जी रहे हो आप उसी लेवल की वाइब्रेशनल जगह पे जी सकते हो। अगर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ रही है तो आपको उसके साथ अपडेट होना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, वरना आपको कहीं और प्लेनेट मिल जाएगा, कहीं और वहाँ पे जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करता है, वहाँ पे आपकी उन्नति कंटिन्यू रहेगी। कुछ सही गलत नहीं है, अगर वी हैव टू बी स्ट्राइविंग कि हम कितना बेस्ट अपना कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मेरा इसी चीज से निकला है, जैसे हम कोई भी बात बोलते हैं, कुछ मैंने बोला रिलेटेड वो एड्स देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, एआई पीछे काम कर रहा है और ऑडियो को सुना, उसने सुना कि भाई इसको गाड़ी लेनी है, तो वो ऑटोमेटिकली गाड़ी की एडवर्टाइजमेंट वगैरह देने लग जाता है। ये तो होगी एक चीज, इसके बारे में मैं जान चुका हूँ, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि मैंने कुछ मन में सोचा और वो मन में सोचा वो मेरे को सामने सिमिलर चीज दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे काम कौन कर रहा है? मेरे स्पिरिट गाइड्स, ईश्वर की शक्ति काम कर रही है, या फिर ये भी कुछ आर्टिफिशियली क्रिएटेड है कि ये थॉट्स को भी रीड कर रहे हैं हम? हाँ तो देखो, ये तो पता है आपको कि थॉट, हम कुछ भी सोचते हैं वो थॉट वेव्स एमिट होती हैं। पुराने जमाने में जो योगी बोलते थे, अब तुम ये सोच रहे हो, अब तुम ये सोच रहे हो, वो इसलिए कि वो थॉट फॉर्म्स को पढ़ सकते थे, डिकोड कर सकते थे, ठीक है, अपनी तीसरी ने तो इतनी पैनी होती थी उनकी। तो अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो जनरेटिव एआई है ये ऐसी हो जाएगी कि इट विल रिप्लेस ह्यूमंस, मतलब ये ऑटोमेशन नहीं है। मैं फिर से आपको बोल दूँ, ये कोई पावर शेल या कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं है कि आपके स्क्रिप्ट कर दी कि ये टास्क है, फिक्स वाला टास्क ये कंप्यूटर करता रहेगा, वो नहीं, ये अपने आप सोच रहा है, अपने आप समझ रहा है, अपने आप महसूस कर रहा है, समझ रहे हो, मतलब अभी जनरेटिव एआई के जो चैटबॉट्स हैं, पहले आपके चैटबॉट्स होते थे ना, जो आप किसी बैंक की वेबसाइट पे गए, कहीं वो साइड में आता था चैटबॉट, वो कुछ ही आप कुछ नीड बोलेंगे हेल्प। तो कुछ ही उसको फीड होता था पुराने पीछे से, वो हेल्प करता था, पर अभी ये क्या है, ये अपने आप ढूंढ के आपको जवाब देंगे, आपका मूड देखेंगे, अच्छा आप गुस्से में हैं तो आपसे वैसी बात करेंगे कि आप काम डाउन हो, मतलब बिल्कुल एक ह्यूमन तरीके से, समझ रहे हो। तो इसमें जनरेटिव एआई में एक एक चीज वो कभी नहीं कर पाएंगे, मतलब वो भगवान इसलिए नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो जनरेटिव एआई कितनी भी एडवांस हो जाए वो उसमें चेतना नहीं डाल पाएंगे, कॉन्शियसनेस नहीं डाल पाएंगे, और हम वो कॉन्शियसनेस है वो आत्मा, तो आत्मा उसमें नहीं डाल पाएंगे, वो हो ही नहीं सकता गारंटीड, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन उसके ना होने के बावजूद वो इतना कर सकते हैं कि दे आर नाउ एबल टू रीड योर थॉट्स। और ये जो सर्कस हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद ही होना ज्यादा स्टार्ट हुआ है, वो इसलिए जो जैसे मैंने बताया, वो आपकी बॉडी के अंदर वो सारी, अब आप एक मोबाइल डिवाइस हो, अगर मैं इस मोबाइल डिवाइस पे कुछ भी करता हूं तो या तो ये जो हैंडसेट मेकर है अगर वो पता लगाना चाहे तो पता लगा सकता है, या जो कैरियर है जिसका सिम इसके अंदर है वो पता लगाना चाहे तो लगा सकता है। ऐसे ही अब आपकी बॉडी वो पूरी सर्किट बन चुकी है, तो वो जो भी आपकी थॉट फॉर्म्स तक वो पढ़ रहे हैं, और वो अभी ये केवल टेस्टिंग में चल रहा है कि इज इट वर्किंग और नॉट, उसको ये चीज नहीं करना, उनको ये नहीं कि अच्छा इसने ये सोचा इसको बेच देता हूं, उसको बेचना ना बेचने में उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो ये भी एक टेस्ट कर रहे हैं कि जो आगे का जो उनकी और आगे के जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है।